Hi, this is Khushbu with another question of applications of trigonometry. This is example number 12 from page number 12.6 of Adi Sharma. This says, a vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height h. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and top of the flagstaff are alpha and beta respectively, the angles given it. Prove that the height of the tower is h tan alpha upon tan beta minus tan alpha. सबसे पहले उसने बोला कि वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. सो सपोजिंग दिस इज द वर्टिकल टावर, सो दिस इज ए, दिस इज बी. इसकी हाइट हमें नहीं गिवन, सो मान लेते हैं वाई है हाइट. इट्स सरमाउंटेड बाय अ फ्लैगस्टाफ, इसके ऊपर एक फ्लैगस्टाफ है व्हिच इज उसकी हाइट हमें गिवन है. सपोज दिस इज सी, इसकी हाइट गिवन है एच. एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, यहाँ ग्राउंड पे कोई पॉइंट है और सपोजिंग ये डिस्टेंस है एक्स. The angle of elevation of bottom and top of the flagstaff. Flagstaff के bottom का इसके साथ angle of elevation बन रहा है alpha. ये आपको ध्यान देना है पहले क्या लिखा है. And इसके top का बन रहा है beta. This is beta. ये पूरा angle आएगा नीचे तक. ये prove करना है कि जो height है tower की पूरी height, I mean sorry this y, height of tower is इतना. So, इसमें आपको देखना होता है कि right angle triangles के लिए लगा रहे हैं. This is a right angle triangle because straight vertical होगा. सो पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं एबीडी. इन ट्राइंगल एबीडी हम यूज कर रहे हैं इस एक्स को और इस वाई को, मतलब इस एंगल के सामने. ये एंगल मीन अल्फा. सो ये इस सामने को पेंडिकुलर है, ये बेस है. तो टैन अल्फा बिकॉज वो होता है पी बाय बी. सो टैन अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन एबी बाय एबी, दैट मीन्स वाई बाय एक्स. यहां से हमारे पास tan alpha इक्वल आया y by x के. सो x की वैल्यू हमने यहां से निकाल दी y by tan alpha. सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट ट्राइंगल है हमारा ACD. सो इन ट्राइंगल ACD में tan beta होगा हमारे पास AC by AD. सो AC हमारे पास y plus h बिकॉज दोनों को एड करके आएगी ऐसी, और बेस है हमारे पास x. सो यहां से x की वैल्यू आ गई y प्लस एच बाय tan बीटा. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. सो अब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे बिकॉज दोनों ही x के इक्वल है. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड y बाय tan अल्फा माइनस y प्लस एच बाय tan बीटा, ये दोनों इक्वल होंगे. नॉट माइनस, क्योंकि दोनों का राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी. सो ये दोनों इक्वल है. यहां से हम इसको जाके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इधर. सो दिस विल बी y tan beta इक्वल्स y प्लस एच और यहाँ पे tan alpha. सो ये बन गया y tan beta इक्वल्स y tan alpha प्लस h tan alpha. यहां पर अगर हम y by वाली टर्म्स को उधर ले जाएं, सो y tan beta माइनस y tan alpha इक्वल्स h tan alpha. सो इनमें से y कॉमन आ जाए, सो दिस विल बी y tan beta माइनस tan alpha इक्वल्स h tan alpha. सो ये y यही रहेगा बिकॉज हमें टॉवर की हाइट चाहिए, हमें y चाहिए, इसको हम यही रखेंगे. सो h tan alpha upon tan beta minus tan alpha. So, हमारे पास आ गया h tan alpha equals tan beta minus tan alpha. So, यही हमें प्रूफ करना था. So, hence proof. So, this was example 12 from Adi Sharma, and of course, the next video for some more questions. Bye bye.